हे गाइस, मौसम है सुहाना पर जगह हमें पता नहीं, हमने कहाँ है जाना। कौन सजेस्ट करेगा? सीपी? सीपी नहीं जा सकते। अच्छा, तो इतने अच्छे मौसम में हम कहाँ जा सकते हैं? जू देखने? शेर और हाथी? भैंस देख लो। मेरी ये क्या था? मैंने गियर डाल दिया था गलती से। नोएडा चले? हाँ, क्या करेंगे? वही मॉल वॉल ही है वहाँ पे, कुछ खरीदारी कर लेंगे। नोएडा में बारिश का मौसम कितना ठीक है। सो ये है गार्डन गैलरी मॉल। मुझे ज़्यादा इसमें कुछ दिख नहीं रहा शो करवाने वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जितने भी ये शॉप वगैरह हैं ये बंद है। ऊपर सबसे ऊपर कह रहे हैं कि फूड कोर्ट वगैरह है, लेकिन अभी मैं वहाँ तो जाऊँगी नहीं। लेकिन अभी पहले वॉशरूम वगैरह जाऊँगी, वॉशरूम इसका देखते हैं कैसा है। ये है गार्डन गैलरी का वॉशरूम, अच्छा बना हुआ है नो डाउट। ये फिल्म है और ये है यहाँ का वॉशरूम। तो इस लाइक का लग्जरी लुक ऐसे लगता है मेरे को, तो जैसे बड़ी ज्यादा लग्जरी लुक होती है ना, बिल्कुल वैसा है। तो अभी हम देखते हैं बाहर ये क्या कर रहे हैं। ओहो जनाब जी, हम साथ चेयर पर बैठे हुए हैं। बैठे क्या, वो लेटे हुए हैं। ये तो सो गए होंगे, इनको तो नींद चढ़ी होती है वैसे भी। ये सो गए सो गए सो गए, ये हाल होता है यहाँ पे आके इनका। रिलैक्स कर रही, रिलैक्स। ये तो लुक एट दिस, ये तो सबसे डिफरेंट है एडवेंचर। बस इस मॉल में ना सबसे बेस्ट यही चीज थी कि ये फिश वाला जो स्पा है, फिश आपको अपने हाथ पैरों को करवा सकते हो। मैं कितनी देर इनको खाना खिलाना? मैंने 10 मिनट्स और पेडिक्योर वगैरह करवा सकती हूँ। एक यहाँ पर मसाजर चेयर सबसे बेस्ट थी, तो हमने ये तो आराम से बैठे हुए हैं। मम्मी इधर बैठे हुए हैं मसाजर में, मैं ही हूँ जो मछलियों की मसाज ले रही हूँ। ये मैं हूँ और ये मछलियाँ हैं। इट्स गोइंग टू बी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मेरे को। फिर साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना मसाजर चेयर का भी एक्सपीरियंस कर लिया जाए कि मसाज चेयर कैसी है, क्योंकि ये तो सो ही गए थे। इसका मतलब इंटरेस्ट मेरा भी जाएगा और मम्मा का इंटरेस्ट जाएगा फिशेज में। तो मम्मा ने बोला मैं मसाज चेयर पे, तुम बैठो मसाज चेयर पे और मैं फिशेज से मैनिक्योर पेडिक्योर कर। तो ये लीजिए, अब हम आ गए हैं वापस यहाँ से इस मॉल से, क्योंकि इस मॉल में बस एक वो फिश स्पा या मसाजर, वो भी अपना मर्जी है, लेना करना करो नहीं तो मत करो। शॉपिंग वॉपिंग के लिए ज़्यादा कुछ मेरे को दिखा नहीं यहाँ पे कि अलग अलग ब्रांड वगैरह हो अच्छे अच्छे, वो ऐसा कुछ था नहीं गार्डन गैलरी मॉल में। तो इसीलिए अब हम देखते हैं, शायद नेक्स्ट मॉल में जाएंगे, DLF मॉल में लेके जाते हैं शायद ये मेरे को। तो अभी हम वहाँ चलते हैं, सो लेट्स गो। मेरे को अभी तक मॉल का नाम ढंग से लेना नहीं आ रहा। गार्डन गैलेरिया। गार्डन गैलेरिया, ये इसकी बेसमेंट पार्किंग है गार्डन गैलेरिया की। और अभी हम यहाँ से होंगे एग्जिट। ये देखो, वी आर एट DLF मॉल। ओ वाओ, ये देखो बच्चों के लिए खिलौने, और इनको तो है नहीं। जावेद है बीबी यहाँ पे भी है। ये लिक्वर स्टोर है, जावेद हबीब है, lenskart.com, सोनी सेंटर, बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पर आपको। ये सोनी सेंटर है जहाँ पर आप मतलब आपका जो मन करे प्ले स्टेशन वगैरह। ये है होम सेंटर हमारा, हनीमून के लिए तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं हमारी। अभी तक डेस्टिनेशन तो फाइनल नहीं है कि जाना कहाँ है हमने। बस हाँ ये पता क्या, शॉपिंग हम ज़रूर करने आए हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है हमें कि नहीं। कहीं जाने के लिए जाना कहाँ है उसके बारे में भी पता। डांस वाली आइसक्रीम क्रोमा, ये देखो डांस वाली आइसक्रीम। हमने लिया है पॉप एंड फ्राई का स्प्रिंग पोटैटो और स्वीट कॉर्न्स भी हैं, और मम्मा उधर देख रहे हैं आइस। मम्मा तो आइसक्रीम ही लेंगे, पर मुझे पहले कुछ नया ट्राई करना है। मैं खाऊंगी पॉप एंड फ्राई, पर मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा यार पॉप एंड फ्राई खाऊं कैसे, ये खाते कैसे हैं। अभी तक मेरे को ये ट्रिक तो पता भी नहीं है,
चलो कोई बात नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करो और करके दिखाओ भी, तभी अगर मैं करूँगी तभी आप कर पाओगे ना देख करके। अच्छा ऐसे खाया जाता है, ये है मेरा पॉप एंड फ्राई, मेरे को अभी तक समझ नहीं आई। देखो ऐसे खाऊंगी तो मेरे मुंह के अंदर सीधा हो जाएगी वो डंडी सी। हाय हाय ओह माय गॉड, कितना मुश्किल है ये खाना। ये है लो चॉप आइसक्रीम, ये तो आइसक्रीम ही खा रहे हैं टेस्टी टेस्टी सी, और मैंने लिया पॉप एंड फ्राई। तो देखो ये तो मैंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करा DLF मॉल का, अभी मैंने बड़ा एक्सपीरियंस, मतलब अभी इतनी हमने करी नहीं शॉपिंग, लिटिल बिट्टी करी है, तो जितनी करी है वो मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि हाँ ये मॉल है, यहाँ पर ये वाला स्टोर है, यहाँ से आप सामान खरीद सकते हो। मैंने अपने लिए शूज़ खरीदे हैं और बाकी अभी मेरे वो कपड़े वगैरह थोड़े से पेंडिंग है, वो तो मैं कल दोबारा से आऊँगी और फिर मैं कंटिन्यू करूँगी इसी ब्लॉग को, मतलब DLF मॉल को। मैं सोच रही हूँ एक बार तो मैं अगर शॉपिंग करने जाऊँ तो मैं देखूँगी हाँ क्या चीज़ है यहाँ पर, अगर मैं करने आई तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस ब्लॉग में इतना काफ़ी है, मेरे अनाप्शना ब्लॉग चैनल को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी अनाप्शना बातें मिलेंगी, अनाप्शना ब्लॉग्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लिटिल बिट, और ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, अभी स्टार्टिंग है मेरी ब्लॉग में, तो अब ये जितना और ज़्यादा एक्सपीरियंस जितना होगा मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।